यूपी के जिला संभल की नखासा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के नाहर ठेर के पास बाघ से चोरी के आयशर कैंटर दो आरोपियों इसरार व साबिर अवैध तमंचा व चाकू सहित गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शातिर चोर हरियाणा की मंडियों से गाड़ियों की रेकी करते हैं और सुनसान स्थान पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और दूसरे राज्य की मंडियों में माल को बेच देते हैं और खाली गाड़ी को ग्राहक तलाश कर बेच देते हैं। अब इनको संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक चोरी का आयशर कैंटर 420 सेवों की पेटी अवैध तमंचा व एक चाकू बरामद किया है। अब इन आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर्दाफाश किया है, क्या है प्रॉब्लम? ये जनपद संभल में नखासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहर ठेर के पास एक बाघ था, वहाँ पे एक ट्रक की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पे जब इसको ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये चोरी करके लाया गया, हरियाणा से लाया गया ट्रक है जिसमें सेब भरे हुए हैं, फलों से भरा हुआ ट्रक है। और जब इनसे पूछताछ की गई गहन रूप से तो बताया गया कि ये अक्सर मंडियों के आसपास रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं जब कोई ट्रक तैयार हो जाता है उसमें सामान भर लिया जाता है तो ये ट्रक सहित लेकर के उस सामान को गायब हो जाते हैं और तो किसी दूसरे राज्य में ले जा करके उसको मंडियों में ले जा करके बेचते हैं। इसी कोशिश में ये लोग लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है।